वाला। फिर मैंने इन दो चिप्स के बंडल को स्टेपल करके एक बड़ा सा बंडल बना दिया। फिर इस बंडल के अंदर बाकी चिप्स को मैं स्टेपल कर रहा था जिससे एक बड़ी सी जिवें इन्हें जोड़ के लेज़ दे पैकेट दी रस्सी बनाई है उवें आपां जोड़ के किवें स्केयर पता कर सकते हैं आओ देखिए। चैप्टर पंजवां स्केयर एंड स्केयर रूट वर्ग ते वर्गमूल दी एक्सरसाइज 5.1 दा फोर्थ क्वेश्चन करन आपां काल कीता सी कि वर्ग या स्केयर किहनूं कहिंदे आ की नाम सी इहदा पावर किन्नी स्केयर रूट वर्गमूल दी पावर किन्नी क्या सी एक बटे दो वेरी गुड इन्हां दा आपां साइन भी कीता सी ते आपां इक यूनिट डिजिट इकाई दे अंक बारे गल कीती सी है ना। हुण मैं तुहानूं कल कहा सी कि इकाई दे अंक यूनिट डिजिट उपर कई क्वेश्चन है उहनां चों इक क्वेश्चन आ कहिंदा दसो केड़ी संख्या दा वर्ग टांक ते जिस्त है मतलब जेड़ा नंबर दिता होगा उनका पहला पर स्केयर देखना है कि की इनका स्केयर इवन नंबर है के ऑड नंबर इनका नहीं पहला पर ये समझिए कि टांक ते जिस्त की हुंदे है ऑड या इवन की हुंदे है। टांक शब्द इंग्लिश की कहने हैं ऑड नंबर केड़े हुंदे है ऑड नंबर या टांक संख्या मां एक तीन पांच सात पर की अब डेफिनेशन परिभाषा की कहांगे जेड़े नंबर दो दे टेबल ते नहीं जानते जेड़े नंबर दो दे पाड़े ते दो दे टेबल ते नहीं जानते उन्हां नूं टांक ते ऑड नंबर्स कहंदे हुण इहदा उल्ट करिए जेड़े नंबर दो दे टेबल ते जानगे तां उन्हां नूं की कहांगे जिस इंग्लिश इवन ऑड ते इवन दा मतलब पता चल गया जेड़े दो दे टेबल ते जानदे है ओ इवन है जिस्त है जेड़े नहीं जानदे ओ ऑड है टांक है। हुण उन्हां ने कहा बिना सॉल्व कीते दसो कि इहदा स्केयर ऑड नंबर है कि इवन नंबर ओवें कल्ला यूनिट डिजिट लेना है की इहदा यूनिट डिजिट एक दा स्केयर कर लो यानी कि 1 × 1 किन्ना जवाब आऊगा एक। हुण ये ऑड है कि इवन ऑड ठीक हो गया यह टांक संख्या है यानी कि इट इज एन ऑड नंबर। जे स्केयर पिछे यूनिट डिजिट दा बस स्केयर लेके देख लो जे ओ ऑड है ता पूरी रकम ऑड होगी जे ओ इवन है ता पूरी रकम इवन समझ लगी। हुण दूजा पार्ट देखो अच्छा ओंकार इनका यूनिट डिजिट किन्ना छे वैल्यू हुण छे दी पावर दो कितनी यानी कि छे नु किन्नी बार मल्टीप्लाई करो दो बार किन्ना जवाब आंदा छत्ती छत्ती दा यूनिट डिजिट केड़ा छे आपां जे दो नंबर आ गया मल्टीप्लाई कर लिया तीन आ गया पर देखना केड़ा डिजिट है यूनिट इकाई दा अंत या लास्ट डिजिट जिवें सामी ने कहा लास्ट वाला ही देख लास्ट की है छे पूरे ऑड नंबर है के इवन इवन का की हो गया इट इज एन इवन नंबर ए जिस्ट संख्या किसे नु कोई प्रॉब्लम बहुत दोवे सवाल समझ लग गए क्वेश्चन है गया हल करो सॉल्व ओ कहंदा बिना पेन पेंसिल उठाए मतलब आपा कैलकुलेशन नहीं करके सिंपल जवाब देना जेड़ा ये 5.1 एक्सरसाइज है इन्दे चेगी है कि पेन पेंसिल नाल गुणा डिवाइड मल्टीप्लाई करन तो बिना ओरली मुंह जबानी जवाब दो की आऊगा किवें ये दसो काउंटिंग विच गिनती विच 8 दे 7 नाल नाल वाले नंबर आ जी ਹੁਣ 80 ਤੇ 79 ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕਰੀਦਾ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਬਸ 8 ਦੇ 7 ਜੋੜੇ 16 15 ਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਸ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੋ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੱਸ 80 ਪਲੱਸ 79 80 84 ਜੋੜੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 100 ਓਏ 100 ਜਵਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 80 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 79 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕਰ